मालिनी आंटी नमस्ते। पढ़िए पढ़िए। आशा है कि इस समय आप लोग बहुत विचलित होंगे, आपस में ही लड़ रहे होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सामान चोरी नहीं हुआ। उसे चोरी होने से बचाया जरूर। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो अपने मालिक के पास सुरक्षित पहुंच चुका है। आशा करते हैं कि आप हार्ट की मरीज नहीं हैं। इसलिए आते हैं दूसरी बात में। आप जिसे अपनी जीत समझ रही हैं, वो आपकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस घर के लिए आपने इतनी माथापच्ची की है, उस घर के कागज आप संभाल नहीं सके। रहा सवाल पापा के क्लिनिक का, तो उमा के नाम पर है और घर के सारे बैंक अकाउंट पापा और विशाल भैया के नाम पर है। हाँ, एक आपके दामाद जी के नाम पर भी है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम 17,876 रुपए मात्र है। जिसे आप राहुल भैया से कहकर निकलवा भी सकती हैं। आपने शायद यह सब यह सोच के किया है कि आपके दामाद बहुत बड़े आदमी हैं या उनके नाम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं तीसरी बात पे। इस लेटर के साथ एक लीगल नोटिस अटैच होगा, जो इस घर के मालिक की तरफ से आपको दिया गया है। जिसमें लिखा है कि आप लोग जल्द से जल्द यह घर इज्जत के साथ छोड़ दें, नहीं तो मजबूर होकर बेइज्जत करके निकलवाना पड़ेगा। हमें ये भी आशा है कि आप लोग समझदार होंगे और 24 घंटे में हमारा घर छोड़ देंगे, नहीं तो हमें कानून का सहारा लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। गुड लक। नमस्कार, आपकी आज्ञाकारी गीता भगत। हाँ, अब एक विचार सुनिए, वो भी फ्री में। वो कहा है ना कि जब किसी लतखोर इंसान को मारना हो तो बड़े ही प्यार से मारना चाहिए, जो गीता जी ने अभी अभी आपको मारा बिना अपना हाथ गंदा किए।